ये हमारे पास आज है वाल्वो का 5320B, अपना वाल्वो 5320 का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपना एटलर का है, एटलर में सिलेंडर लगा है, ट्रैक पैड का, अपना ट्रैक पैड का है। और ये अपना लाइट का है, इंडिकेटर का है, और ये अपना पार्किंग का है, इंडिकेटर का है, और ये भी लाइट का ही है। ये अपना स्किट का है, स्किट अंदर बाहर करने के लिए राइट साइड का। और ये अपना क्लीनिंग मोटर है, मतलब क्लीनिंग के लिए है, वाश करने के लिए है। जब डीबीएम से पेवर निकलता है तो डामर में अपना डीजल से वाश करने के लिए ये है अपना। और ये अपना हो गया अपना वाइब्रेटर का, ये वाइब्रेटर का बटन है। ये अपना आगर का है, और ये कन्वेयर का है, और ये स्केल का है। जो पुराना मॉडल है 2019 से पीछे वाला मॉडल, इसमें स्केल का सिस्टम नीचे से ही दिया है, जबकि ऊपर से नहीं दिया है। तो ये अपना स्केल अप डाउन के लिए है। दूसरा नंबर ये हापर का है, ये हापर अप, ये हापर डाउन, ये खरगोश खचुआ है तो मालूम ही है सबको। ये अपना स्किट लॉक असिस्टेंट, मतलब कि दूसरा स्किट लॉक है, इसको अगर नहीं भी करेंगे तभी चलेगा, लेकिन इसको स्किट लॉक का ही फंक्शन माना जाता है। ये हॉर्न है, ये अपना चाबी ऑन ऑफ का है। ये अपना स्पीड है, जो भी है स्पीड है, ये मार्चिंग में स्पीड भी काम आता है, और पेइंग में यही स्पीड का यूज किया जाता है, दूसरा कोई स्पीड नहीं दिया है बोगली की तरह। और अपना ये जॉयस्टिक लीवर है, जबकि फॉरवर्ड रिवर्स दोनों के लिए है। ये अपना स्टेयरिंग है, ये 5320 में ऐसा ही स्टेयरिंग आता है, स्टेयरिंग है। और दूसरा दिया है, ये हीटिंग का दिया है। पहले क्या होता था, गैस हीटिंग आता था, बर्नल सिस्टम, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक हीटिंग दे दिया है वाल्वो ने। बहुत पहले दिया था, 2018 में दे दिया था। ये पूरा लाइट का है, और ये रिवर्स आगर का है अपना, राइट का रिवर्स आगर, लेफ्ट का, एक ही बटन पे दोनों तरफ का रिवर्स आगर है। और ये अपना स्किट का अंदर बाहर करने के लिए, और ये टेम्पर है, ये स्किट असिस्टेंट का बोलते हैं, ये स्किट लॉक का है। ये अपना स्किट अप डाउन करने के लिए है, और ये सेंसर का है, मेन ऑटो सेंसर, मतलब कि चलाने के लिए मैनुअल ऐसे नॉर्मली। ये भी स्केल का है, ये लेफ्ट का स्केल का है, मतलब पूरा फंक्शन ये राइट के लिए है, ये लेफ्ट के लिए है, लाइट को छोड़ के। और हम डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हीटिंग वीटिंग का बता देते हैं। डिस्प्ले में फोकस करो थोड़ा, डिस्प्ले का अपना ये है, जो भी है ये हीटिंग के लिए है, अपना हीटिंग वगैरह चेक करने के लिए कितना है कितना नहीं है। ये हीटिंग पीछे से भी चालू, पीछे से चालू करना पड़ता है, यहाँ से ऑटो डालो, ऑटो डालने के बाद पीछे से भी चालू करना पड़ता है। ये अपना है, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जैसे चालू करेंगे ये वाला बटन दबाएंगे, ये ऑन हो गया, देखो हरा वाला लाइट चालू हो गया। चालू हरी लाइट चालू होने के बाद ये पूरा अपना जैसे बोगली में दिखाता है ना, वैसे ही ये भी हीटिंग एक एक करके ये जलने लगेगा। जैसे ही हीटिंग होगा, फॉल्ट होगा तो इसमें दिखाई देगा फॉल्ट का प्रॉब्लम, और बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में दे देंगे।